और अब बात पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां ताज़ा जो घटनाक्रम है उसे लेकर भारत की चिंताएं बनी हुई हैं। भारत लगातार स्थिति पर निगाह रखे हुए है। इस सबके बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का आज गठन होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार वहाँ शपथ ग्रहण करेगी और एक स्थिर सरकार बनाने की कवायद होगी। अंतरिम सरकार के बाद फिर एक जब स्थायी सरकार बनेगी तो कैसे उस ट्रांजिशन को बेहतर तरीके से किया जाए, ये बड़ी चुनौती होगी मोहम्मद यूनुस के सामने। शपथ लेने से पहले वो देश में सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि समृद्धि तभी आएगी जब शांति, धर्मनिरपेक्षता सब होंगे। उन्होंने कहा है कि सब अपने घरों को लौट जाएं। युवाओं ने एक बड़ा काम करके दिखाया है, देश में एक बड़ा बदलाव किया है। ये बांग्लादेश की मुक्ति का दूसरा संग्राम है जो कामयाबी के साथ हो गया है, लेकिन अब सबको शांति स्थापित करनी चाहिए। सेना, आंदोलनकारी छात्र और राजनीतिक दलों के बीच मोहम्मद यूनुस के नाम को लेकर आम सहमति बन गई थी। अब वो 15 सदस्यीय एक टीम अपने साथ आज बना सकते हैं। ये देखना है कि उस टीम में कौन चेहरे खास होंगे, किस तरह का गठन उसमें होगा। लगातार इस तरह की चिंताएं बनी हुई हैं कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद कहीं कुछ कट्टरपंथी सरकार में आने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं वो कामयाब तो नहीं होंगे। लेकिन मोहम्मद यूनुस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो एक अर्थशास्त्री रहे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने अपने ग्रामीण बैंक के जरिए एक बड़ा काम किया जिसे दुनिया के कई देशों ने जिसका अनुसरण किया, और इसलिए मोहम्मद यूनुस से सभी को काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना है कि भारत के साथ वो अपने संबंधों को किस तरह से उनका खाका खींचते हैं और कैसे संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, और इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालने वाले मोहम्मद यूनुस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश में शांति और स्थिरता लाने की है। करीब 5 हफ्ते से जारी खूनी प्रदर्शनों और सैकड़ों की मौत का जो सिलसिला है वो अभी रुका नहीं है। मोहम्मद यूनुस की पहली जिम्मेदारी होगी कि वो हिंसक प्रदर्शनों पर काबू पाएं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, पलायन पर रोक लगाएं और साथ ही साथ अवामी लीग पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको भी रोकें। उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें बांग्लादेश की सेना की सहमति हासिल है, लेकिन अहम फैसलों पर सेना को साथ लेकर चलने की चुनौती भी मोहम्मद यूनुस के सामने है। सेना को अगर ये लगा कि यूनुस उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर रहे तो फिर मामला बिगड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस को सेना की कठपुतली के तौर पर भी नहीं दिखना होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो आर्थिक मोर्चे पर है। बांग्लादेश में खाने पीने की चीज़ों की महंगाई जो है वो चरम पर है। बांग्लादेश की जनता की उम्मीद होगी कि मोहम्मद यूनुस इस पर फौरी लगाम लगाएं ताकि जनता जो है बांग्लादेश की वो राहत महसूस कर सके। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की जो कमान सौंपी गई है उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे छात्र संगठन थे उन्होंने इसकी मांग की और इस पर उन्होंने जोर डाला। ये जो युवा हैं और जो छात्र हैं वो बेरोजगारी की भारी समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए भी सड़कों पे उतरे। उनकी उम्मीद होगी कि मोहम्मद यूनुस जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएं ताकि समस्या के समाधान की ओर बढ़ा जा सके। अंतरिम सरकार की एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी होगी कि वो बांग्लादेश को जो लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार जो है आने वाले समय में दे, एक ऐसे समय में जब अवामी लीग की नेता शेख हसीना को पीएम पद और देश छोड़कर भागना पड़ा। इन परिस्थितियों में बांग्लादेश की सेना ने अवामी लीग को किसी भी पॉलिटिकल कंसल्टेशन में शामिल नहीं किया है। ये बात अभी के जो हालात हैं उसके लिए तो समझ में आती है, लेकिन बांग्लादेश में सच्चे लोकतंत्र की बहाली के लिए अवामी लीग को भी साथ लेकर चलना होगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस जो है वो हमेशा शेख हसीना के निशाने पर रहे, दोनों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण है, लेकिन क्योंकि अब अंतरिम सरकार की जो कमान है वो मोहम्मद यूनुस के हाथों है तो उनको राजनीतिक प्रक्रिया और भविष्य के चुनाव में अवामी लीग को साथ लेकर चलने का जज्बा और जो हिम्मत है वो दिखानी होगी। मौजूदा माहौल में ये करना बेशक असंभव लग रहा हो, लेकिन अगर अवामी लीग को साथ लेकर नहीं चला गया तो फिर लोकतंत्र की स्थिति भी उसी तरह की नजर आएगी जैसे कि खालिदा जिया और बीएनपी के बिना हुए चुनाव में नजर आती रही और इस तरह के आरोप लगते रहे कि ये जो है तानाशाही की सरकार है। यूं तो मोहम्मद यूनुस अमेरिका जैसे देश के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन यूनुस को अमेरिका जैसे देशों की उम्मीदों पर भी खड़ा उतरना होगा। शेख हसीना के शासनकाल में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अमेरिका काफी मुखर रहा।
बदले की भावना के तौर पर अब अगर मानवाधिकार उल्लंघन जैसी चीजें होती हैं तो यूनुस को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ना हो, तभी उनकी छवि जो है वो बेहतर रह पाएगी।